सैमसंग गैलेक्सी A52 5G। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग का A52 5G आ रहा है, और इसमें हम बात करने वाले इसी फ़ोन के बारे में, क्योंकि कुछ रिसेंट अभी जो अपडेट्स सामने निकल के आई हैं मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करना। तो बोलो देखिए, जल्दी बोलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट कर, यहाँ पर सैमसंग का A52 5G का लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मतलब आई थिंक कितने हज़ार लोग इस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली जब आएगा तो चलने वाला है। बट हाँ, अगर सैमसंग इसको और लेट कर देगा तो फिर बात अलग ही थी, बट आने वाला है, मैं आगे फाइनली बात करूँगा, बहुत गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। चलिए बात कर लेता हूँ फाइनली पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बिल्ड डिज़ाइन में, तो एकदम A52 4G जैसे ही देखने मिलने वाला है, देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। कलर्स भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया देखने मिल जाते हैं, तो कह सकते हैं डिज़ाइन के मामले में A52 5G बढ़िया है, प्रीमियम है। डिस्प्ले में आपको जो आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिल जाएगा, सेंटर पंच होल मिल जाने वाली है इस बार, और पिछले बार में मिली थी। 120 रिफ्रेशिंग रेट भी देखने मिल जाएगा, जो पिछले बार नहीं मिला था, बट इस बार आपको 120 रिफ्रेशिंग रेट भी देखने मिल जाएगा, जो मेरे सबसे अच्छी बात है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 750G का इस्तेमाल कर रहा है सैमसंग। पिछले बार स्नैपड्रैगन 720G आया था, बट इस बार स्नैपड्रैगन का 750G यूज़ किया गया, जो पिछले बार से भी बेटर है। कैमराज में आ जाता हूँ, तो भाई 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, F1.8 का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, डेप्थ सेंसर मिल जाता है, माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाता है, तो कैमराज अच्छे हैं। सेल्फी में जो आपको सेंटर पंच होल के साथ 30 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने मिल जाएगी, तो और वो भी आपका अच्छा काम कर देने वाली है। तो कैमराज वाइज फोन जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जैसे A52 4G का वैसे ही मिलने वाला है। बैटरी में 4.5 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी मिल जाएगा, और 25 वोल्ट की आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए 4.5 mAh की बैटरी दे दी वो ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो 25 वोल्ट की चार्जिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप सही जम नहीं रहा है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं अदर ब्रांड जो है वो 67-65 इतना वोट में जा रहे हैं, बट सैमसंग 25 है। तो देखिए यार, ये क्या करता है ना, सैमसंग ना कटिंग करता है, प्राइस कॉस्ट कटिंग करता है, तो आई थिंक डेफिनेटली इस पर सैमसंग को देखना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई लोग सैमसंग को 65-45 वो भी ले आए, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। एंड UI में एंड्रॉइड 11 आपको बॉक्स मिलेगा, एंड ये आप लोग को 1 UI के साथ रन करने वाला है। ये पूरा सैमसंग A52 5G जिसका जो भाई लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे मतलब इतना रिस्पांस मिलता है आप लोगों को इस वीडियो में, और जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट फाइनली अब बात कर लेता हूँ प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में इस फ़ोन की। तो इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो 29,999, मतलब 30,000 रुपये के प्राइस रेंज में आ रहा है, क्योंकि 4G जो आया था A52 4G वो आपको मिला था 26,500 रुपये में, हाँ 26,450 मतलब 99 रुपये, मतलब 26,500 रुपये करीब में आया था। ये फ़ोन आ रहा है आप लोगों को 30,000 रुपये में, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो तो मैं बात बोलने ही वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो 30,000 रुपये में ओवर प्राइज्ड है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 750G देखते हो तो अब वो आई थिंक 20,000 रुपये के नीचे मिल जाता है, बट ये जो है वो आपसे ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, 30,000-10,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब आप लोग आपको लेना है तो अब ले सकते हो, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस फ़ोन के बहुत ज़्यादा लोग भाई प्यार करने वाले हैं। जैसे आईफोन भी है, महंगा है मगर लोग लेते हैं, तो अब वो सबका अपना अपना रहता है, जिनको पसंद है वो ले, तो मैं डेफिनेटली कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, ये बोलूँगा कि लेना है तो ले लेना, अच्छा फ़ोन है, ठीक ठाक फ़ोन है, बस चिपसेट में थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होने वाली है, बात मेरी बात ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल फाइनली बात करें तो लॉन्च डेट के बारे में, जिसके लिए इस फ़ोन के मतलब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये फ़ोन जो है वो जुलाई के एंड में कहा जा रहा है आने वाला है। अगर देखते हो तो जुलाई के एकदम एंड में आ सकता है, बट अभी तो यार जुलाई मतलब अगर ये जुलाई के एंड में आता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे टीजिंग चालू कर देनी चाहिए सैमसंग को, मगर अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मतलब हो सकता है कि अगस्त में डिले हो जाए, बट यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये अगस्त में चला जाता है, क्योंकि देखिए हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, अप्रैल मई जून 3 महीना हो गए हैं, अभी 4th महीना चल रहा है। अगर 4th महीना भी यहाँ पे सैमसंग ऐसे छोड़ देता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि फ़ोन फिर इतना लोग लेंगे, क्योंकि एक बार देखिए इंतज़ार होता है, अब उस इंतज़ार के बाद फिर लोग कुछ और भी ले लेते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा, मुझे एकदम कन्फर्म श्योर है, तो बताना कमेंट करके क्या लगता है। और 3-4 चीज़ें अभी मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें अपग्रेड की गई है 4G से, 105G 30,000 रुपये में 5G मिल रहा है वो ले लो यार, 26,500 में 4G क्यों ले रहे हो आपके ज़माने में, क्योंकि मैंने सुना था 2021 के एंड में एकदम न्यूज़ थी, रियल है फेक मुझे नहीं पता, कि रोल आउट होना चालू होने वाला है 5G, तो लेना है तो 5G ले लो। दूसरा 120 रिफ्रेशिंग डिस्प्ले, वहाँ पे 120 दिया गया है। तीसरा स्नैपड्रैगन 750G, वहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फ़ोन इतना लैग करेगा ना मैं बता नहीं सकता हूँ उस प्राइस रेंज में, तो इसलिए 3-4 चीज़ें देख लेना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लेना। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।